भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ के फ्लाइंग दही बल्ले कितने ज्यादा फेमस है। दिखाइए एक बार। ओ भाई क्या स्टाइल है। एक और बार ये देखिए गाइस कितना बढ़िया स्टाइल है इनका। ऐसे ही बनाते हैं यहाँ पे। ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन, देख रहे हो। हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? बस आपकी कृपा है, आपका ही इंतजार था। क्या नाम है सर आपका? वैसे गुलामों के नाम नहीं होते, जिस नाम से पुकारोगे दही बल्ला खिला दूंगा। अच्छा, तो वैसे क्या पुकारते हैं लोग आपको? वैसे ओम प्रकाश बोलते हैं। ओम प्रकाश जी, ये बताइए जो फ्लाइंग दही बल्ला जो आपकी स्टाइल है, ये कब से कर रहे हो आप? ये 77 से उड़ा रहा हूँ, जब मैं 14 साल का था। और ये आया कैसे, आइडिया कैसे आया आपको? इसकी क्लास नहीं लगती है। अच्छा जी, कोई क्लास नहीं लगती, आपने ऐसे खुद ही स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ देखो कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, नारियल पेटीज, अच्छा जी, गुलाब जामुन, भुट्टे का कीस। और भुट्टे का कीस क्या होता है? ये जो पंजाब में छल्ली होती है ना मक्का, स्वीट कॉर्न जी, भुट्टे, उसको भुट्टा बोलते हैं यहाँ पे जी। तो भुट्टे के दाने निकाल के दाने का बनाते हैं इसको, या भुट्टे का कस करके बनाते हैं भुट्टे। अच्छा, का इसको घिस दिया जाता है। हाँ, पूरे भुट्टा खीस के बनाते हैं, इसलिए भुट्टे का खीस बोलते हैं भुट्टे। अच्छा का जी, ये देखो भाई, ये होती है इनके भुट्टे की खीस। तो ये आ चुकी है, अभी इसको कैसे लगाया जाता है वो हम अंकल से देखेंगे। यहाँ पे ये भुट्टे से बनाई जाती है, इंदौर में बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो ये देखिए अंकल जी बना रहे हैं। सबसे पहले कटोरी पे डाले गए, आप क्या डाला जाएगा इसमें? चाट मसाला। चाट मसाला, ये धनिया, धनिया आ चुका है, ये नारियल, नारियल डाला जाता है, और ये हींग का पानी, हींग का पानी होता है। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ज्यादा खाया जाता है यहाँ पे। और ये मिर्ची बड़ा का साइज बहुत बड़ा है यहाँ पे। जोधपुर के स्टाइल का, जोधपुर के स्टाइल में बनाते हो आप। अब ये दही बड़ा, और दही बड़ा भी हमारे यहाँ। अच्छा जी, ये दही बड़ा देखो, ये दही बड़ा, क्या बात है। एक बार फिर से एक दही बड़ा लगवाएंगे अपना। हाँ, ये लगाया जा रहा है हमारा दही बल्ला। सबसे पहले देखिए इसका बड़ा आ गया है, कितना बड़ा होता है ये दही बल्ला जो बनाते हैं। ये क्रश कर लिया जाता है, ऊपर से ये दही डाली जाती है। हाँ, ये क्रीमी सी दही है, घर पे बनाते हो आप ये सारा? हाँ, ये सब घर पे। और ये भी खुद ही घर पे बनाई जाती है, क्या बात है। ये चटनी होती है, ऊपर से दही आ गई। अब ये देखिए मसाला कैसे डाला जाता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक ही उंगली में। ये देखिए, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये अजवाइन। ये देखिए अलग ही स्टाइल है, एक ही बारी में डाल देते हैं सारे मसाले। गाइस अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फ्लाइंग दही बल्ला कैसे उड़ाया जाता है। दिखाइए भैया, इतने सालों से जो बना रहे हैं ऐसे ही बेचा जाता है यहाँ पे, इंदौर का फेमस है। ये देखिए हमारा फ्लाइंग दही बल्ला आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सारे मसाले डले हुए हैं, क्रीमी सी बहुत सारी दही डाली गई है। और ये इनका वड़ा होता है, ये देखिए ये दही वड़ा है इनका। इसको ट्राई करके अब मैं देखूंगा, इसको टेस्ट करते हैं अब। दो भाई, सबसे बढ़िया जो मुझे लगा, इनकी दही बहुत बढ़िया है, मीठी सी दही है, और इनका जो वड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बहुत अच्छे से बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।